बस एक वीडियो, एक वीडियो काफ़ी है आपके चैनल पर 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए। एक वीडियो अगर आप अपने चैनल पे बना देते हैं तो एक वीडियो से ही आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपको लाइव प्रूफ दिखाऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरएस तोमर, आज की एक और नई शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉच टाइम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, वो इसी बात को लेकर परेशान हैं कि भैया मैं वीडियो डाल डाल के थक गया, हमारे चैनल पर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं हो रहा है, वॉच टाइम हमारा कंप्लीट करवा दो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वॉच टाइम तो कंप्लीट हो गया, सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे, वो ये कमेंट कर रहे हैं भैया वॉच टाइम कंप्लीट है लेकिन हमारे सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं जो तरीका आपको बताऊंगा उसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप अपने चैनल पर सिर्फ एक वीडियो डाल के वॉच टाइम भी कंप्लीट कर सकते हैं और सब्सक्राइबर भी। अब वॉच टाइम और सब्सक्राइबर अगर एक ही वीडियो से कंप्लीट हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि एक वीडियो डाल के ही हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। जब एक वीडियो डाल के हमारा चैनल मोनेटाइज हो रहा है तो दूसरे वीडियो से हम पैसा कमाने लगेंगे। दोस्तों, वीडियो को पूरा कंप्लीट देखना, वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ, आप साइड में मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर देखना। देखो, सबसे पहले ये जो मेरा चैनल है इस पर हम जाएंगे अपने मोस्ट व्यू में, ठीक है, मोस्ट व्यू में जाएंगे। यहाँ पर जो मेरा पॉपुलर वीडियो है उस पर मैं आपको उसका प्रूफ दिखाऊंगा। देखो ऐसा है, मैंने क्या है, पहले जो चैनल अपना ये स्टार्ट किया था वो दूसरी कैटेगरी का था, लाइक नदियों से रिलेटेड इस पर वीडियोज़ होते थे, लेकिन उसको मैंने चेंज करके यूट्यूब टिप्स पे किया ताकि आप लोगों को जानकारी दे पाऊँ। यहाँ पर आप देखो 444,000 व्यूज़ हैं हमारे इस वीडियो पर। तो इस वीडियो पे मैं क्लिक करूँगा, उसके बाद जैसे हम नीचे आएंगे यहाँ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देखो 444,342 व्यूज़ हमारे इस वीडियो पर आए हुए हैं, ठीक है। आप गौर से सुनना, मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। सिर्फ एक ही वीडियो तो है, एक वीडियो है, 444,000 व्यूज़ हैं। यहाँ पर वॉच टाइम देख लो, 10,600 घंटे का वॉच टाइम मुझे इस वीडियो से मिला है। आपको कितना चाहिए चैनल को मोनेटाइज करने के लिए? मात्र 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए। इस वीडियो से दो चैनल मोनेटाइज हो जाएंगे, उसके अलावा भी 2000 घंटे का वॉच टाइम बच जाएगा, मतलब 10,600 घंटे का वॉच टाइम इस पर कंप्लीट है, ठीक है। तो हमें 4000 का चाहिए, समझ लो एक वीडियो से ही हमारा वॉच टाइम कंप्लीट। उसके बाद बात करते हैं सब्सक्राइबर की। आपको कितने सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है? कितने सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है? ओनली 1000। अगर 1000 सब्सक्राइबर आप अपने चैनल पे कंप्लीट कर लेते हो और 4000 घंटे का वॉच टाइम, तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है। यहाँ पर सब्सक्राइबर देख लो, 6400 सब्सक्राइबर मुझे मिले हैं इस वीडियो से, सिर्फ एक वीडियो से 10,600 घंटे का वॉच टाइम और 6400 सब्सक्राइबर। अब बहुत सारे लोगों को लगेगा यार व्यूज़ बहुत ज़्यादा है, 444,000 व्यूज़ है तो इतना तो बनता है, लेकिन मेरे भाई ये आया कैसे है? गौर से समझ लो, फिर बाद में ये मत कहना, अभी वीडियो को स्किप कर दोगे बाद में तुम ही कहोगे कि भैया हमारा कंप्लीट नहीं हुआ। हम आपको गारंटी दे रहे हैं भैया, पहले गौर से सुनो समझो बातों को, ठीक है। हवा हवाई में बातें नहीं करता हूँ मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाता हूँ। चलिए अब मैं आपको और भी चीज़ें समझा देता हूँ। देखो, चंबल नदी में आई भयंकर बाढ़, खुद ही देख लीजिए। तो यहाँ पर मैंने लाइव प्रूफ भी दिखाया, हालांकि ये चंबल नदी में जिस टाइम पर बाढ़ आई थी उस टाइम पर मैंने ये वीडियो बनाया था। अभी आप देख सकते हैं ये जो वीडियो है वो अनलिस्टेड है, 3 साल पहले का ये वीडियो है, ठीक है। तो बहुत टाइम हो गया, लगभग 2 साल हो गए जब भी मैंने इस वीडियो को अनलिस्टेड कर दिया था। लेकिन मैं आपको बता दूं, अगर आपको अपने चैनल पर एक वीडियो डाल के 4000 घंटे का वॉच टाइम, 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करना है, तो आपको जो तरीके मैं बताऊँगा वो फॉलो करने ही पड़ेंगे। क्योंकि ऐसे तो वीडियो लगातार डाल डाल के आपने खुद भी देख लिया है कि चैनल ग्रो नहीं होता, ना तो सब्सक्राइबर बढ़ते हैं ना वॉच टाइम बढ़ता है, लगातार काम करे जा रहे हैं, बेवकूफ़ों की तरह घिसना नहीं है, स्मार्ट तरीका अपनाना है, दिमाग लगाओ और काम कर जाओ। ऐसा दिमाग लगाना है कि हमारा काम बन जाए, ठीक है, खेला कर देना है। अब खेला कैसे करना है वो चीज़ समझिए, टेढ़ी उंगली करके घी निकालो आज के दुनिया में, क्योंकि अगर आप सीधी उंगली से घी निकालोगे तो नहीं निकलेगा, या फिर तो उंगली को टेढ़ी करो या फिर डब्बे को ही गर्म कर लो,
ठीक है। अब कैसे करना है वो चीज़ समझिए। देखो चंबल नदी में जब बाढ़ आई थी उस टाइम क्या था, लोग चंबल नदी को बहुत ज़्यादा मात्रा में सर्च कर रहे थे, मतलब ये जो टॉपिक था वो ट्रेंड में था क्योंकि बहुत खतरनाक बाढ़ आई थी, ठीक है। और जब ट्रेंड होता है उसके ऊपर हम वीडियो बना देते हैं, जैसे हमारे चैनल पर जो वीडियो हमने डाले हैं उन पर 1000, 2000, 500, 400 ऐसा व्यूज़ आ रहा है, तो हमको ट्रेंडिंग, जैसे ही ट्रेंडिंग टॉपिक मिल जाए, जैसे कोई चीज़ आ गई ट्रेंड में है तो उसको अगर हम कवर करेंगे, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे, तो मेरे ख्याल से अगर 1000-2000 व्यूज़ आ रहे हैं तो 1000-2000 से ज़्यादा व्यूज़ आपकी ट्रेंडिंग वीडियो पर आएगा। और अगर आपकी वीडियो अच्छी हुई, आपने अच्छी जानकारी दी है या फिर जो ट्रेंडिंग में टॉपिक है उसको अच्छे तरीके से कवर किया है, तो आपकी वीडियो एल्गोरिदम में फंसने का चांस रहेगा, लोगों को पसंद आएगी। और अगर लोगों को आपकी वीडियो पसंद आ जाती है, लोग आपकी वीडियो को शेयर कर रहे हैं, तो 100% आपका वो वीडियो वायरल होगा। और अगर आपका एक वीडियो वायरल हो गया तो सिर्फ एक वीडियो से ही 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ये चंबल नदी जब बाढ़ आई थी उस टाइम ये वीडियो बनाया था और अच्छे तरीके से इस वीडियो को रेडी किया था। इस वीडियो में मैंने प्रूफ भी दिखाया था, बाकायदा नदी पर जाकर, जहाँ पर बाढ़ थी वहाँ पानी के पास जाकर मैंने ये वीडियो बनाया था। बहुत मेहनत लगी थी मुझे ये वीडियो बनाने में, लेकिन इस वीडियो से मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ था, काफ़ी लोगों ने इस वीडियो को प्यार किया, काफ़ी लोगों ने इसे सपोर्ट किया, ठीक है। और मुझे काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला था उस टाइम। देखो लगातार मैंने जो वीडियो बनाए थे उन पे आप देख लो, चंबल नदी से रिलेटेड थे, 434,000 व्यूज़, 346,000 व्यूज़, 444,000 व्यूज़, ये जो व्यूज़ मुझे मेरे वीडियोज़ पर आए थे, ये लोगों को वीडियो पसंद आए थे क्योंकि इनमें जो चीज़ें मैंने दिखाई थी वो सब रियल था। नदी के पास जाकर पानी को दिखाना, ये रियलिटी वाली चीज़ें थी, तो लोगों ने सपोर्ट किया, ठीक है। तो एक वीडियो अगर आप बना देते हैं तो एक वीडियो से आपका 4000 घंटे का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं बनाना है कि अभी सो रहे हैं हम, जगे और डायरेक्ट वीडियो बना दे, नहीं मेरे भाई, देखना पड़ेगा ट्रेंड में क्या है आपका। अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो ट्रेंड में चल रहा है, आपको लग रहा है कि आप उस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, तो चूकिए मत, कवर करिए, क्योंकि अगर चीज़ें ट्रेंड में हैं उसके ऊपर आप वीडियो बनाओगे तो 100% आपका वीडियो वायरल होने का चांस रहेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रेंड के ऊपर सिर्फ एक वीडियो कभी मत बनाना। आपको लगे एक वीडियो बनाया था, नॉर्मल से थोड़े ज़्यादा व्यूज़ आ गए, अब वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, तो नहीं, ट्रेंड अगर चल रहा है तो ट्रेंड के ऊपर 2-4 वीडियो लगातार बना दो, उनमें से एक ना एक वीडियो 100% फंस जाएगा। और अगर आपका एक भी वीडियो फंस गया तो प्रॉफिट ये होगा कि वही वीडियो आपको ऑडियंस देगा, वही वीडियो आपको सब्सक्राइबर देगा, उसी वीडियो से आपका चैनल ग्रो हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, ट्रेंड को फॉलो कीजिए, लगातार मेहनत करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो, मेरी बातों से आप सहमत हों, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर देना। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।